हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे YouTube चैनल वंदा पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तो सुबह के जो है काम फिनिश हो चुका है और 12 बज चुके हैं और कपड़े देखो लगभग आधे से सूख चुके हैं और जो है एक बिस्तर मिला है और धूप देखो काफ़ी तेज़ निकल गया और सभी छाऊँ। ये देखो जी, धूप कितनी तेज़ निकल ली देखो और बादल घने हो गए। धूप निकल ली देखो। ये ड्रम धुलाया आज मैंने, इसमें सरसों डाल लेंगे, खाली करी थी इसकी पानी की वजह से। सारा देखो जो है क्लीन हो गया। देखो जी, झाड़ू पोछा जो है सब कुछ। और अब 12:15 बज गए, पीओ आने वाली है स्कूल से 12:40 पे। और गायों को नहा धुला के ये वाली यहाँ पे बैठेगी, बछड़ा वहाँ, गाली वाली गाय वहाँ पे, और उनके नीचे दो वो का बिल्कुल क्लीन करके आ गई हूँ। और गोबर का जाली था हमारा खेत में, तो यहाँ पे जो गिल्ला हो रहा गाय नहाई थी तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। और आंगन जो है बिल्कुल चकाचक पड़ा हुआ है। चलो जी, अब जो है गोरी को कुछ खिला देते हैं, फिर इसको देनी है दवाई और काम फिनिश हो गया सारा। दवाई कहाँ गई आपकी? डायरी मिल गई? मिली नहीं? और कहाँ पैट आई? चेंज करो पैट। चलो, तो पीयू आ गई है स्कूल से और अब चेंज करने लगी है। टाई खुल गई थी पीयू की, तो पीयू ने रख लिया था बैग में और पीयू ने खो दी है डायरी। चैन खराब हो गई? चलो कोई नहीं, न्यू बैग ला देंगे थोड़े दिन में, चैन ठीक करवा देंगे। नहीं ओके ओके, आप बड़े हो जाओ अभी। जुराब निकल लो, पैंट निकल लो, आई कार्ड निकल लो। ले कपड़े क्या करेंगे? ले कपड़े क्या बनाओ? यहाँ बैठ के करियो। चलो भाई। तो जी, अब जो है गोरी बहुत ही ज़्यादा शरारत करने लग गया है। इस पर थोड़ा थोड़ा चलना आ गया, यानी कि गुटली चलना, और ये बहुत ज़्यादा बदी करती है। देखो, कभी हेलो करेगी, कभी फ़ोन करेगी। हेलो करती है फ़ोन लगा के कान पे, जो भी कुछ मिल जाता है उसको ही लगा के कान पे हेलो हेलो करती रहती है। आ आ आ, जो नहीं कोई बोलता तो गुस्सा हो जावे। और यहाँ पे जो है कपड़ों की तह बनाने लगी है गोरी। गोरी को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये बोलती थी कपड़ों की तह आज मुझे ही बनानी, और मैंने इसको लिटा दिया था। और लिटाने के बाद में जो है मैं कपड़ों की तह बनाने लगी, लेकिन फिर से गोरी उठ के आ गई और देखो मेरी गोद में कैसे लेटी हुई है और शरारत कर रही। और पीऊ गई हुई है ट्यूशन, तो इसीलिए जी जो है धीरे धीरे ही गोरी को बिठा कर जो है मैं आराम आराम से ही अपने साथ लगा कर काम करना पड़ा है। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि आज जो है वंदा के डैडी की हो रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो मैं लेट रहे हैं अंदर, तो उनका बीपी जो है बिल्कुल लो हो रहा है, उठने की भी जो है हिम्मत नहीं हो रही, तो इस वजह से वे तो लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। तो आज जो है अकेले ही सारा काम मैनेज करना पड़ेगा, गोरी को भी रखना पड़ेगा। और पीयू तो गई हुई है स्कूल, और पशुओं का काम तो आपको बताया, कभी दूध और गोबर घास इकट्ठा करना, पानी पिलाना, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी अभी मैं जो है पशुओं को चारा करके आई हूँ और फिर जो है मैं कपड़ों की तह बनाने लगी। तो बच्चों के कपड़ों की तो तय हो गई है, अब मैं वंदना के डैडी के कपड़ों की तय बना रही हूँ। और कपड़ों की तय बनाने के बाद में जो है मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे। और अब झाड़ू लगा के जो है फिर मुझे जो है निकालना है दूध, क्योंकि
दूध निकालने के बाद में ही जो है खाना बनाने की तैयारी होगी। तब तक दूध नहीं निकलता तो ऐसे लगता है कि सारा काम पड़ा हुआ है। दूध निकलने के बाद में जो है फिर फ्री होकर बस खाना बनाने में ही फोकस रहता है। तो चलो जी झाड़ू लगा देते हैं और बर्तन जो है शाम की चाय वगैरह के जो उनको वॉश करना है। तो ऐसे तो भाई बहुत सारे काम होते हैं जो दिखाई भी नहीं जाते और छोटे छोटे घरेलू काम होते हैं जो। तो जो है मैंने झाड़ू लगा दी है तो किचन की साइड रह गई है, उधर लगाऊंगी और उसके बाद में जो है बाकी का काम करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो आज कढ़ी बनेगी पकौड़ी वाली। ये देखो मट्ठे में जो है मैंने घोल लिया है बेसन और इसमें जो है अजवाइन पड़ी है, ये ऊपर काली काली से दिखाई दे रही ना जो हमारी जो वो है हल्दी, उसमें मेरे से जो है अजवाइन डल गई थी। तो और ये है बेसन जो पकौड़ी बनाने के लिए, और ये लहसुन, चावल, जीरा और मेथी। तो सबसे पहले उतारनी है पकौड़ियाँ और चूल्हा जलने में कर रहा है आना पानी। और मौसम देखो जी धुआं हो रहा है। तो जी चूल्हा तो जला दिया अच्छा खासा और तेल भी अच्छा गर्म होगा और हम डालनी शुरू करते हैं पकौड़ियाँ। तो तब तक प्यू पी रही है पानी तो मैं डाल देती हूँ। प्यू पकड़ेगी फ़ोन क्योंकि गोरी सो गई है। तो तब तक जो है पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में जो है कढ़ी छोंक देंगे। थोड़ा जब छो जाओ इधर आ लो जी। यह है कढ़ाई। मम्मी वो छोटे बत्तर में का रखी कढ़ी बेसन का, प्याज और धनिया है, और का है चावल, चावल मेथी, सब सामान रेडी है। कू बस चूल्हा जलने में देरी कर रहा। गोल क्यों बहुत ज्यादा लग रही। मैंने इसमें डाल दी है और कुछ ये बना के निकाल ली और बस अब जो है कढ़ी छोंकने की तैयारी करेंगे ना निकालते ही। तो जी हमारी जो है पकौड़ियाँ तो बन चुकी है और अब जो है मैं यहाँ पे जो है छोंक तैयार कर रही हूँ। छोंक तैयार करने के बाद में उसके बाद में जो है छोंके की कढ़ी। तो मैंने लहसुन डाल दिया था इसमें और मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च। और अब जो है तब तक हमारा जो है छोंक रेडी हो जाएगा। उसके बाद में जो है जो बेसन और मट्ठे का पेस्ट है उसको डाल देंगे और फिर जो है कढ़ी खदकती रहेगी यानी कि कड़ती रहेगी। तो चूल्हे पर जो है कढ़ी को छोंक के छोड़ देंगे। तब तक जो है आटा वगैरह लगा लेंगे, चावल भिगो के रख दूँगी क्योंकि ये काम भी जो है साथ साथ ही करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी जो है अंधेरा हो गया था मुझे इस काम में ही, पकौड़ी बनाने में, मट्ठा और कढ़ी की तैयारी करने में, क्योंकि गोरी भी परेशान कर रही थी बीच बीच में तो उसको भी देखना पड़ रहा था। और गोरी को सुहा के जो है जब वीडियो बनाने के लिए लगी थी क्योंकि गोरी ना बहुत ही ज़्यादा शाम होते ही जो है बहुत ही ज़्यादा रोती है गोरी। तो इधर हमारा जो छोंक है लगभग थोड़ा सा हो चुका है तो थोड़ा सा और जो है आँच लग जाएगी। फिर लहसुन ना कच्चा सा रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, वरना के डैडी तो बिल्कुल भी नहीं खाते कच्चा सा लहसुन। ना लहसुन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कढ़ी तो भाई लहसुन और प्याज से ही अच्छी लग गया। तो प्याज तो नहीं थी तो मैंने जो है लहसुन में और मेथी में, जीरे में, सूखी मिर्च में, बस प्याज को छोड़ गया, वैसा सब सामान था। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा टाइम लग गया और कढ़ी हमारी जो है छूट चुकी है। और अब जो है कढ़ी को हम पकाते रहेंगे तब तक ये कड़ेगी और उसके बाद में जो है मैं चावलों को धो के रख दूँगी। और चूल्हा जलने में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था।
तो जी यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। और जो है अब मुझको कहीं पे जाना था तो मैं रेडी हो चुकी थी और अब निकलती हूँ गौरी को लेकर, और वंदना गई हुई है स्कूल और वंदना के डैडी गए हुए हैं खेत में। तो तब तक जो है मैं अपना काम निपटा के फटाफट से आ जाती हूँ, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में।